मजा आ रहा है इधर भी दिखाओ लाइव वाले लोग को भी क्या है नहीं आज है 7th of September, मैं डेट बोल रही हूँ तो आज है 7th of September, बारिश हो रही है एकदम जोरों शोरों से। वहाँ पे आया जाए बूट बन के मेरा बैग अंदर डाल रहा है और आज है जन्माष्टमी। तो आज अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने बुकिंग किया हुआ है आयाज का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो अभी वहाँ जा रहे हैं फटाफट से। मैंने अभी पूरे घर के कपड़े पहने हुए हैं, ये मेरा रेनकोट है, तो अभी हम लोग जाएंगे क्योंकि मेरे को फटाफट से पहुँचना है क्योंकि मेरे को डेकोरेशन वगैरह वो सब भी कम्प्लीट करना है एंड वो अपने घर पर चला जाएगा। एंड फिर उसके बाद देखो आवाज़ आ रही है आपको, जोर जोर से बारिश हो रही है, पता नहीं कल क्या होने वाला है। चलो अभी फटाफट से पहुँचते हैं, फिर मैं डेकोरेशन वगैरह करूँगी, वो सब आपको आगे पता चलेगा और अभी क्या क्या करते हैं आगे वो भी आपको पता चलेगा। तो चलो चलो फटाफट से जाते हैं, वरना और जोर जोर से बारिश हो जाएगी, वैसे कि अभी गिर ही रही है। वो रहा है उधर टर्न ले रहा है, हेलो यार भूत भूत हूँ मैं। तो 7 सितंबर एक ही दिन बाकी है, कल है बर्थडे है ना, तो चलो अच्छा दिन तो अच्छा है ना, क्या बिजली का नौकरी दर 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 दर। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइज जो हम लोग ने जगह बुक किया है ना गाइज, वहाँ का टीवी नहीं चल रहा है और गीजर भी नहीं है। ये बंदी बुक करी है देखो, बैल बुद्धि, भीग गई हूँ मैं, रेनकोट पहन के ही भीग गई। तो गाइज अभी हम लोग उसको बोले भाई कोई अच्छा वाला रूम दे जिसमें टीवी भी चले, थोड़ा हम लोग टाइम पास क्या करेंगे, इस भूत भूत का आवाज सुन के क्या मतलब है, बर्थडे यार एंजॉयमेंट। मेरा स्पीकर भी लेके आने का याद दिला, मैं सोचा ही था दिमाग में, छोड़ छोड़ टीवी नहीं नहीं मत लेके। ठीक है गाइस आपको मिलते हैं आगे। ये देखो मीरा रोड में हटकेश में यहाँ पे धंडी सब कैसे कैसे चल के जा रहे थे, धंडी कितने ऊपर है देखो, इतना ऊपर है इन लोग, इतना ऊपर जाने वाले हैं। और एक दो सर्कल बनाएंगे तो फूट जाएगा ना, शायद पहले ट्राई करते रहेंगे। तो गाइस बर्थडे बॉय, प्री बर्थडे बॉय बोल सकते हैं ना, प्री बर्थडे बॉय आया था कुसुम रोल खाने के लिए यहाँ पे, हम लोग ने ऑर्डर दिया है, भूख लगा है जोर जोर से भूख लगा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ने ऑर्डर दिया है चिकन रोल का, उधर ऊपर है चिकन रोल, तो अभी यहाँ पे बनेगा, हम लोग छूटेंगे और फिर जाएंगे बाकी का सामान लेने है ना। गाइस ये रहा चिकन रोल, देखो कितना बड़ा है, ये छूट रहा, हम लोग एक दिन नहीं खा सकते, मैं खा लूंगी, तू बैठ से नहीं खा पाए, बहुत इतना लजीज है, स्टमक फुलिंग रहता है भाई, स्टमक फुलिंग। हाँ चलो अभी छूटते हैं फिर मिलते है ना, ये तो छूटने में बिजी है, बहुत ज्यादा ही भूख लगी थी इसके, हम लोग बोले ये खाते थोड़ा हैवी रहे, हाँ ताकि जान रहे, ताकि जान रहे, थोड़ा देर तक जान रहे, 12 बजे तक टेस्ट कर करना है, बाप रे वेरी डिफिकल्ट। चलो मिलते हैं बाय। सो गाइस हम लोग केक लेने आए हैं, मैं और जॉयसी, और जॉयसी उधर है, मोटी मोटी किधर है, मोटी इधर है, मोटी कौन सा खेल रहे हैं, चलेगा ना, क्या करने का इसमें, कौन सा चिकन का पीस नहीं डिजाइन अच्छा था करके, मैंने साइड में नाम लिखने के लिए बोला गाइस, ये ना कुछ इसका प्लानिंग चल रहा है कुछ, आप लोगों को पता है ना कि कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाई, मेरे डेली व्लॉग में है ना, मैं नहीं कर पाई, सही में नहीं कर पाई रे बाबा, नेक्स्ट टाइम पक्का करूंगी मैं, अभी फिर नॉर्मल केक है, मेरे को उसका डिजाइन नहीं करअप करना था, इसीलिए मैंने अच्छू बाजू में लिखाया। चलो मैं तो बाद में मिलते हैं, कस्टमाइज केक नहीं था जो उसका डिजाइन खराब होने वाला था, लेकिन ऊपर डिजाइन तो थी ना, ऊपर डिजाइन नहीं खराब करना था मेरे को, पागल है समझ में ही नहीं आता इसको बैल बुद्धि। चलो मिलते हैं बाद में, कुछ गड़बड़ नहीं, हमारे और दोस्त लोग आने वाले हैं, तो वो लोग देखते हैं, उन लोगों को फोन करके बोला है वो लोग आते हैं कि नहीं, देखते हैं क्योंकि टाइम आज छुट्टी का दिन भी है, तो देखते हैं, और 12 बजे रात में काटने वाले हैं ना, तो 12 बजे देखते हैं वो लोग आ पाते हैं कि नहीं, बहुत मुश्किल है, देखते हैं आते कि नहीं। तो गाइस अभी मैं आप लोग को जॉयसी से मिला था, जॉयसी देखो क्या कर रही है, मैंने उसको बोला था ऐसा बर्थडे केक
मेरा होता तो कितना मजा आता, और मैं इतना खुश हूं ना गाइस, क्या बताऊं आप लोगों को। देखो जॉयसी दिखाओ। तो ये देखो, ये ऐसे कस्टमाइज केक है। अभी हम लोग ने जो केक लिया था ना पाइनएप्पल वाला, जो आप लोगों ने देखा, वो हम लोग ने अभी नीचे रखा हुआ है फ्रिज में। ये भी बाद में काटना है ना, तो अभी हम लोगों ने रखा है क्योंकि अभी बारिश आ रहा है जा रहा है, तो हम लोग को वापस जाएंगे बाहर, बारिश होगी तो केक खराब हो जाएगा, तो फिर रिस्क नहीं ले सकते ना। और ऐसा कस्टमाइज वाला जो केक है ना, और एक, क्या और वो तो दिखाओ, उसका मेन चीज का तो दिखाया नहीं, दो चीज। हाँ ये क्या है, हम लोग का चैनल का पूरा वाओ एंड आयाज पूरा सब डिस्क्रिप्शन लिखा है, क्योंकि आयाज ने बोला था कि अरे केक पे बाकी सब तो डालेंगे लेकिन अपना आईडी कैसा पता चलेगा अगर कोई लोग देखेंगे तो। हाँ। तो ये रहा। और जब भी उसने वो चीज बोली थी ना, उसके बर्थडे के लिए एक हफ्ता बाकी था, तभी जाके मैंने यूट्यूब का स्क्रीनशॉट लेके मैंने तभी सेव कर दिया। क्या बात है। तो ये है। और ऐसा ही कस्टमाइजेशन जो है ना, हम लोग ने कियारा के बर्थडे के लिए भी हम लोग ने बीटीएस का बनाया था। हाँ, मैं भी देखा था, मस्त। हाँ, क्योंकि अगर हम लोग बाहर जाके देते तो उतना ही होता है, उससे और वैसे होता है। डबल ही लगाते और हाँ। केक वैसा ही रहता है, बस ये इसका लगाने का लोग एक्स्ट्रा ले लेते, 600-700 रुपया पड़ जाते। हाँ, करके हम लोग ने ये टाइम, और आया था मेरे को पहले ही बोला था कि अरे यार ये कितना अच्छा है, मेरे को भी ऐसा ही चाहिए मेरे बर्थडे के लिए, करके मैंने फिर यही सब प्रिंट आउट लिया। और आपने मेरे डेली ब्लॉग में तो देखा ही रहा। कहाँ देखा, दिखाया मेरे को तो दिखा ही, जैसे अपलोड नहीं किया है क्या? नहीं अपलोड किया है, तो मेरे उनको पता है, मेरे फॉलोअर्स को सब्सक्राइबर्स को, उन लोग ने देख लिया है कि तुम्हारा जो मैंने प्रिपरेशन किया, तो अभी ये वाला कस्टमाइजेशन हम लोग करेंगे। ये सब आयास के फेवरेट मेमोरीज वाले थे, मैंने बाकी भी फोटोज लेने का सोचा था लेकिन ये बहुत सारा हो जाता है ना, ये उसके फेवरेट मेमोरीज वाले, बट ऑब्वियसली भाई गोवा का दिखाओ, दिखाओ ये वाला गोवा का है, मम्मी के बर्थडे के टाइम का है ये, बागा बीच जब हम लोग गए थे, फिर ये नेशनल पार्क में जब आयाज ब्लॉगिंग करके वो फोटो खींच रहा था, फिर ये तो हमारा मेन है चैनल, और यहीं पे काबो दे रामा का बीच का है ये, और ये तो आयाज का लाइफ लाइन है, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब को उधर फेंक के रखिए, रखा हुआ है तीनों, इसको फर्स्ट फिर ये सेकंड, इंस्टाग्राम मेरे को इतना नहीं पसंद, स्टोरी डालने के लिए अच्छा लगता है बाकी नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये सामने देखो गाइस, ये जॉयसी ने डेकोरेट किया है मेरे लिए। तो गाइस चलो अभी फटाफट से हम लोग इसको पूरा, मतलब जॉयसी और मैं कर रहे हैं, फटाफट रेडी करेंगे, ये भी है बम, और ये बम बम है ये। तो गाइस चलो अभी फटाफट से रेडी करते हैं, फिर आपको मिलेंगे आगे केक कटिंग के टाइम पे, ठीक है? तब तक के लिए बने रहो, लेट्स गो, बाय बाय, मिलते हैं आगे। गए थे ये खनकिया वाला डोमिनोज, लेकिन एज यूजुअल उन लोग का एक भी कस्टमर उनसे सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, आधा घंटा लगेगा, एक घंटा लगेगा, सब भड़क रहे थे उस स्टाफ के ऊपर। बट अभी हम लोग को भी लेना था वहीं से पिज्जा, लेकिन फिर बाद में उसको इतना टाइम लगने वाला, बाद में आया उसने बोला कि छोड़ वटा, अपने पास और भी ऑप्शन है डोमिनोज के, नया नगर में भी है। एंड और किधर है रे वो मैक्सिस के रोड पे ना, मैक्सिस के रोड पे एक है, 50 पे एक है, तो हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो वहाँ पे मगजमारी करने से बेटर है कि हम लोग इधर और जाए और ले। ये लोग का मुंह देखते हैं ना, क्या ले लोग का ना मुंह, हाँ इन लोग का हर बार क्या, लास्ट टाइम भी सेम ऐसा ही हुआ, मारू साले लोगों को पकड़ के गाली देने का मन करता है, वही ना। तो चलो अभी देखते हैं, हम लोग दूसरे डोमिनोज में जाते हैं, वहाँ से लेते हैं, आई होप वहाँ पे अभी हमें मिल जाए अच्छे से, हमें दो ही पिज्जा लेना है, जल्दी दे दो हम लोग को। चलो अभी चलते हैं फटाफट, देखते हैं आगे, बने रहिए, आपको बताते हैं कि हमें पिज्जा कौन से डोमिनोज से मिला और कहाँ से मिला, लेट्स गो। गाइस हम लोग दूसरे डोमिनोज में आए हैं, पहले ये बहुत पुराना मतलब था, तो मतलब इतना रेनोवेट नहीं होता, कुछ ज़्यादा ही नया हो गया है। देखो गाइस पूरा चेंज हो गया है, इधर जॉयसी वाइस भी बैठी हुई है बुक्कड़ खाने के लिए, और ये पूरा चेंज हो गया गाइस। देखो पहले जो था एकदम मतलब पुराना था, हम लोग बहुत पहले इधर जब नया नगर में गए थे तब इधर ही खाने आते थे, एक बार तो हम लोग ने ऐसा खा दिया मतलब पूरा चल गया था, पता गरम गरम खाया था गाइस। चलो अभी ऑर्डर दे दिए, पिकअप है हमारा, पार्सल लेके जा रहे हैं, फिर आपको सो गाइज हम लोग कनकिया पहुंच गए, हमारा पिज्जा लेना था, हमारा पिज्जा लेके हो गया और हम लोग ने सैलेड लिया है, तो अभी आप लोग को जॉयसी बताएगी क्या क्या हम लोग ने लिया, बता मोटी ए, मतलब सॉरी बता जॉयसी, बहुत ज्यादा ही बोल रही, तो तू वर्कआउट कर रही थी बन कर था, पिज्जा तो लेते रहे, थोड़ा जोर से बोला आवाज नहीं, तो दिख नहीं रहा था ना, ये
नॉनवेज लोडेड लिया है और ये हम लोग ने पनीर मसाला कैप्सिकम वाला लिया है। और हम लोग गए थे नेशनल शॉर्मा लेने के लिए। पहले तो मेरे को चाहिए था ये क्या बोलते हैं, हाँ कबाब चाहिए था। तो आया उन्होंने बोला कि कबाब क्यों, अपन सलाद खाते हैं। तो नेशनल शॉर्मा गए थे, अगर किसी को पता होगा मीरा रोड में अगर रहते हो तो वहाँ से उन्होंने ये डाइट सलाद करके बोलते हैं 120 का आता है, उसमें हैलिपिनोज जेलिपिनो वो सब आते हैं उसमें। तो हम लोग ने अभी ये लिया, अभी हम लोग ट्राई करेंगे, खाएंगे, मस्त पेगी इंजॉय करेंगे एंड फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे सीधा केक कटिंग के टाइम। अलविदा दोस्तों। तो चलो गाइस अभी फटाफट जाते हैं, हम लोग थोड़ा खाते पीते, भूख लगी है, फिर आपको मिलते हैं केक कटिंग के टाइम पे। बाय बाय। हे गाइस, तो हो गया है आयाज का बर्थडे सेलिब्रेशन का टाइम। वो ये है सेटअप एंड ये रहा उसका केक। तो ये मैंने सेट कर दिया है, ये उसके सब फोटोज एंड उसको जो पसंद है ये सब चीजें आगे रखे है। एंड यहाँ पे लिखा है हम लोग ने अज्जू, जो ये उसका फेवरेट है, पाइनएप्पल चॉकलेट उसको पसंद है नहीं इतना, लेकिन कल तो चॉकलेट केक ही काटना पड़ेगा उसको मेरे यहाँ पे, क्योंकि मेरे यहाँ पे चॉकलेट केक ही अलाउड है। तो चलो अभी बर्थडे बॉय रेडी होगा, है ना बर्थडे बॉय, थोड़े टाइम में मिलेंगे गाइस। अभी रेडी होगा, आधे घंटे बाद। अभी वो रेडी होगा, मैं शायद से रेडी होंगी, मैं शायद से रेडी होंगी बर्थडे को। मेन बर्थडे बॉय है तो बर्थडे बॉय रेडी होगा एंड यहाँ पे मस्त हम लोग फोटो खींचेंगे। वो सब फोटोज आपको यूट्यूब पे भी देखने मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे भी देखने मिलेंगे, फेसबुक पे भी देखने मिलेंगे, स्नैपचैट पे भी देखने मिलेंगे। तो चलो अभी फटाफट से रेडी होते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं केक कटिंग के टाइम पे। एंड आपको वो वीडियो भी पता चल जाएगा कि जब हम लोगों ने केक कट किया है। तो मिलते हैं आगे, टाटा। तो गाइस 12 बज गए, हैप्पी बर्थडे। ये भी फोड़ना है, देखो वो फोड़ो जला मानो बल के। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तुम्हें फोड़ो, अबे उसको दिया उसने, खराब हो गया तो नहीं चल रहा है। चलो कट, गाइस अभी केक कट करते हैं। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अज्जू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मजा आ रहा नहीं, मेरे को फोड़ना है, केक अपन साइड में करते हैं। तेरा हर बार का रहता है, फूटता ही नहीं, बैले ट्राई करता। गाइस देख रहे हो, फूटा भी नहीं और इतना चिंदी सा था, कितने रुपए का था? चुप पागल, मजा आया ना गाइस। जॉयसी ने ये मेरे लिए केक पूरा बनाया था, कस्टमाइज केक पूरा। ये देखो, सबको दिखाओ कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है। इधर भी दिखाओ लाइव वाले लोग को भी, कोई है क्या लाइव? अच्छा। तो चलो गाइस, आयास का बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है, बस खत्म एंड अभी खत्म नहीं हुआ है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। तो ये व्लॉग जो है हमारा कल के इसमें कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि कल का दिन जो है वो बहुत ज्यादा सरप्राइजेस के साथ है, जो आयास को पता है नहीं फिलहाल, पता है शायद हिंट रहेगा उसको, पता नहीं बदले थी। तो चलो अभी कल अपन मिलते हैं आपसे सुबह में, अभी जाते हैं सोने एंड फिर कल फ्रेश होके फिर आपसे मिलेंगे। वो सरप्राइज रखा है ना, नहीं वो सरप्राइज है, कल पता चलेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो चलो अभी हम लोग केक ठूसते हैं, वो देखो बर्थडे बॉय वहाँ पे केक ठूस रहा है, यूट्यूब पे लाइव है वो। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।